हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का इस वीडियो में आपको एक शानदार इंस्पिरेशन मिलेगा। ये इंसिडेंस 2003 के एक फुटबॉल मैच में हुआ था, डेनमार्क वर्सेस ईरान। उस मैच के फर्स्ट हाफ के लगभग खत्म होने का समय हुआ था। उस टाइम में बॉल ईरान के डी बॉक्स में था और अचानक एक विसल बजा। ईरान का डिफेंडर को पता नहीं था, उन्हें लगा कि वो फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, बॉल को हाथ में ले लिया। लेकिन वो विसल ऑडियंस के बीच कोई एक जन बजाया था। एज पर फुटबॉल रूल, डी बॉक्स के भीतर अगर आपका हाथ में बॉल लगता है तो पेनल्टी दिया जाता है, तो रेफरी पेनल्टी दे दिया। डेनमार्क को एक पेनल्टी मिला। ईरान के फुटबॉलर रेफरी के पास इसका अपोज किया, लेकिन रेफरी नहीं माने। डेनमार्क का फुटबॉलर मॉर्टिन वोइगहोस्ट अपने कोच मॉर्टिन ऑसलेन के पास गया। मॉर्टिन ऑसलेन के साथ उन्होंने कुछ डिस्कशन किया। वो वापस आए पेनल्टी लेने और जानबूझकर मॉर्टिन ऑसलेन पेनल्टी मिस किया। सो देखिए, ऑडियंस के गलती के वजह से ईरान के अगेंस्ट डेनमार्क को पेनल्टी मिला, लेकिन एक शानदार स्पोर्टिंग स्पिरिट और इथिक्स, जो बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, वो इथिक्स दिखाया कोच और प्लेयर, कोच मॉर्टिन ऑसलेन और मॉर्टिन वोइगहोस्ट। और जो फाइनल रिजल्ट था, डेनमार्क ईरान से हार गया था, लेकिन डेनमार्क उस मैच में सारे दुनिया के दिल जीत लिया। तो जानबूझकर पेनल्टी मिस करने के लिए मॉर्टिन वोइगहोस्ट को ओलंपिक कमिटी से फेयर प्ले का अवार्ड भी दिया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक फील्ड में इथिक्स बहुत जरूरी है। मैच जितना ही बड़ा बात नहीं है, ऐसे भी हम लोग कुछ कारनामे कर सकते हैं जो इतिहास के पन्नों में वो कारनामे रह जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।